अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मोकाचीनो कॉफ़ी। और मोकाचीनो कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है ये, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसके अलावा रेगुलर शुगर है हमारे पास 6 टेबल स्पून। और हमें कुछ पानी चाहिए होगा थोड़ा, यानी 3 टेबल स्पून के करीब ही पानी चाहिए होगा। इसके अलावा हमने लिया है 2 कप दूध। चलिए आइए हम इंस्टेंट कॉफ़ी तैयार करें। ये हम कॉफ़ी ले लेंगे, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है। इसके अलावा हमारे पास 6 टेबल स्पून शुगर है, रेगुलर शुगर। और इसके अलावा हम पानी ले लेंगे। फोर टेबल स्पून के करीब मैंने पानी लिया है, पानी ले लेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरीके से बीटिंग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो चीनी है बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और ये एक फॉर्मिक बन जाएगा आपका बैटर, और ये अलग अलग रंग चेंज करता रहेगा। अभी भी इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है तो हम इसे बीटिंग टाइम देंगे। अभी भी हम इसे बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1 मिनट हुआ है और हमारा जो बैटर है वो कितना गाढ़ा बन गया है। ये देखिए, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, सिर्फ पानी है और हमारी कॉफ़ी है और शुगर है, वो इस तरीके से ही है। लेकिन अभी भी इसमें शुगर बाकी है तो हम इसे और भी बीटिंग टाइम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए किस तरीके से हमारे ये बैटर तैयार हो गया है कॉफ़ी का। इसी तरीके से हमें बैटर तैयार करना है, लेकिन अभी भी इसमें चीनी के ज़रा ज़रा से लम्ज़े हैं तो हमें और भी इसे बीटिंग टाइम देना होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ और फ्लफ़ी बन गया है। ये देखिए, जब आपका बैटर बीटर में ठहर जाए इस तरीके से, क्रीम की तरीके से, तो आप इसे स्टॉप कर दीजिए। अब इसका बीटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है। चलिए आइए कॉफ़ी रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहीम। ये देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब हमें इसको स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट जार में या अपने बाउल में रख सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रीज़र कर दीजिए। जब भी आपको कॉफ़ी बनानी हो, आपने दूध गर्म किया और इसमें आपने 2 टेबल स्पून या आप ज़्यादा चाहते हैं तो 3 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी का ये बैटर डाला और आपने रेडी कर ली। ये देखिए इस तरीके से ये तकरीबन 1.5 हफ्ते तक रहता है और बहुत ही मज़े की कॉफ़ी तैयार होती है। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, और आप इसे स्टोर कर दीजिए फ्रीज़र में। और अब हम कॉफ़ी तैयार करते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सॉस पैन में 2 कप के करीब दूध ले लेंगे और दूध को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। दूध में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, ना ही शुगर, ना ही हम कॉफ़ी ऐड करेंगे, बस इसे गर्म कर लेंगे। तो इसके गर्म होने का हम इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा जो दूध है वो बॉयल हो चुका है। जैसे ही दूध बॉयल हो जाए तो हमारे पास जो ये कॉफ़ी है ये आप ले लीजिए, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। ये 2 कप हमने कॉफ़ी तैयार की है, उसमें आप इस तरीके से इसे डाल दीजिए। ये देखिए, ओके, और 2 सेकंड के लिए इसे पकने दीजिए। कॉफ़ी हमने तैयार की थी, दूध को हमने पका लिया था, वो है, हमने ये ले लिया गरम गरम। और आप इसे कप को फुल नहीं भरेंगे क्योंकि हमें हमारे जो कॉफ़ी का बैटर है वो भी इसमें ऐड करना है। इस तरीके से आप 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ये कॉफ़ी का बैटर जो है वो ऐड कर दीजिए इस तरीके से, और हल्के से आप इसे हिला दीजिए इस तरीके से। ये देखिए बस, और फिर आप
दोबारा से स्टोर कर सकते हैं अपनी कॉफ़ी के बैटर को, और ऊपर से गार्निश कर दीजिए आप कॉफ़ी से। ये देखिए हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी है, बहुत ही झटपट तैयार और मज़े की बनती है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह। Thank you.